है गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर एंड रॉकेट एडिशन। और आप सबका स्वागत है फायर एंड रॉकेट एडिशन के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपको पता था कि हम पहले सिनेवाला आइलैंड पर भी गए थे और हमने सिल्सको में भी गए थे और अब हम फ्यूचर सिटी में आ चुके हैं। और हम म्यूटो को भी हराने गए थे, वैसे हार गए, लेकिन हमें म्यूटो को हराना पड़ेगा वरना उसके आगे हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो आज वैसे हम म्यूटो को हराएंगे भाई, इतना तो है। ये पिछली बार मैं पकड़ा था 250 लेवल उठा, 40 लेवल पहुँच गया, इसको थोड़ी ट्रेनिंग कर दी अच्छी थी, अटैक भी आ गया अच्छे अच्छे। तो हमें पहले जाना अपने, हमें वहाँ जाना था शायद, हमें जाना है वरेडियन में, यहाँ पे बहुत काम थे हमें। ये कौन है, चलो बात करें। तो ये है पर्सनल इशू, हाँ ये वही है जो प्यूटर सिटी में नस जो नहीं है, जो मैं कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है उससे पंगा मत लेना, ये वही बंदा है। और ये सोचा, ये कह रहा तुम मुझे हरा नहीं पाओगे टीम रॉकेट, लड़ाई भी करे हमसे, लड़ाई करे क्या ग्रावलिथ, पॉइजन जैब का मजा ले। अगला कौन है, माचो सेज बम, दोनों आउट इतनी जल्दी, वॉलीबॉल वॉलीबॉल खतरनाक है, स्लग बॉम, गेम ओवर, 41 लेवल पे आ गए, हार भी इतनी जल्दी। अरे ग्राउंड लेट आ गया गलती से, मैं वॉलीबॉल लेन था वाला था, क्या हो गया। और वो सोचेगी कि मैं किसी काम का नहीं हुआ, उसको कह देना गलत यही कह रहे। ये कौन है, अंकल आ गया, डैडी देर यू आर नेबरहुड, कुछ देर के लिए मेरे जेनिक्स का ध्यान रखोगे। तो ये आगे जेनिक्स भी खतरनाक पोकेमॉन है, देखने में लड़की ऐसा है लेकिन है खतरनाक। तो उसे जाके कह देना कि कह देंगे क्या कहेंगे, रेडिकुलस, कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है ठीक है, ये क्या है भाई, झुंड कहते हैं इनका, देखते हैं। यूरी द फेमस आस, हम फेमस है भाई, हम फेमस है, मैं तो सुना ही नहीं आता। और हमारे ऊपर 162,000 का इनाम भी है तेरी तो। ये पोकेमॉन मार्ट में चोरी करने जा रहे हैं वेडियन सिटी इसी ये पास वाली में और ये कह रहे चलना चाहोगे, तो मैं हाँ कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग फ्लोर पर बैठ जाओ क्योंकि हम यहाँ रॉबरी करने वाले हैं। ठीक है, काउंटर पे जाके हम करेंगे, मुझे इसकी ट्रेनिंग मिली गई, ट्रेनिंग मिली है तो क्या कर रहा है, हमसे लड़ेगा ये भी, सब लड़ने आ रहे हैं आजकल के चक्कर है। राइट टू पॉइजन जैब, अगला कौन है, डक ट्रियो स्लग बॉम्ब, करिए तो ग्राउंड टाइप पे पॉइजन टाइप कम असर करता है क्या, ये है शायद ये। अगला कौन, गोल बैट पॉइजन जैब, विंग अटैक स्लज बॉम, लो भाई ये भी आ रहा है, इससे यही लेंगे गोल बैट लेंगे इसे, अपने पास है नहीं ना गोल बैट, गोल बैट। शॉपकीपर बॉब, इसका नाम ये है शॉपकीपर बॉब, अभी रेटिकेट मजा जगह दे, मुझे मारना मत, तुम्हें जो चाहिए वैसे मेरे पास थोड़ा ही सामान है तो तुम ले सकते हो। तो ये हमें कह रहा कि ये पहले हमारा शेयर दे, हम कोई भी दो चीज़ चुन सकते हैं, दो आइटम ले सकते हैं कोई भी, तो आइटम देखते हैं। स्टोन अपने को चाहिए, 20 अल्ट्रा बॉल की थी काम करनी, हाँ फुल स्टोर चाहिए अपने को, काम आएंगे अपने, और 10,000 कैश, चलो काफ़ी है। इतनी आसानी से चोरी हुई पता ही नहीं चला, साइड में पुलिस वाला, उसको तो हमारा क्या है ना, क्या कर लेगा अपना। वो डूड क्या चोरी थी, मजा आ गया, तुम ऐसे ही फेमस नहीं हो वो तो हमको पता है। कह रहा जेंटलमैन आप सबने मजा किया होगा, मजा तो बहुत आया चोरी करने का भी अपना मजा है। तो हम जाने वाले हैं सर्विलियन सिटी में, चलो चलते हैं जल्दी से। अब म्यूटो को हराना है तो पहले करेंगे
पहले उसका टैग हाँ पहले वो ठीक रहेगा मक, उसको पॉइजन करना पड़ेगा पहले। अटैक तो किसी काम नहीं आने वाले, पॉइजन ठीक रहेगा, किस्मत अच्छी रही तो कर पाएंगे। पिछली बार रास्ता कहाँ था मैं भूल गया भाई, इधर से रास्ता पिछली बार। ये रास्ता ढूंढना बहुत खतरनाक है भाई, मैं तो पता ही कौन जाला कहाँ था। सही आ गया, सही रास्ता आ गया, याद हो गया मेरे को पिछली बार का। साइकिल निकाल सकते हैं, चलो ये अब ठीक है, साइकिल भी काम किया फुल, कोई बीच में पोकेमोन भी नहीं आया अब तक तो, वरना पैदल चलते थे इतने सारे पोकेमोन आते हैं। आ जा इस बार देख ही लेते हैं इसको, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पहले ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं तो हमें बस लड़ना है। अरे हमने सब सुन ली क्योंकि हम पहले आ चुके हैं, इसको हरा के जाऊंगा इस बात तो। जल्दी से आ जा, फाइट फाइट, गिव मी योर ऑल, फ्लैट अटैक, क्लच बम, बस पॉइजन हो जाए यार ये। अरे यार ये पॉइजन भी तो बनी हो गया, पॉइजन ही करना इसको, बिना पॉइजन के किसी काम का नहीं है। अपने बहुत सामान है अपने पास, वो कहाँ है मैक्स वाला कहाँ है भाई, हाँ रिवाइवल हब खरीद लेते हैं हमने बहुत सारे, मतलब काम आते होंगे भाई, काम तो हमें यही चाहिए। इसके सामने थे फ्लैट इस्तेमाल करा है, मैजिक कोट, स्क्रीन लाइट, हमने शिया कर दिया, फ्लैट टैग ले भाई तू, आई बीम, 1% भी पावर नहीं गई और हमारी पूरी गई। मक के भरोसे बैठा हूँ भाई मैं तो। अरे यार ये मक के ऊपर बार बार अटैक क्यों करा है, तो क्या करें यार, काम खराब कर दिया। अरे इसके ऊपर ये अटैक इस्तेमाल ही नहीं होता, मैं तो बोल ही गया था। स्टॉर्म अटैक डोटी को ले आता हूँ यार, ये तो वाट लगा रहा है अभी, जब भी मक को लेके आऊंगा तो ये वही अटैक कर दिया, साइकिल अटैक तब को नहीं करता, रिफ्लैक्ट रिफ्लैक्ट आप रहो, कितने अटैक कर रहे हैं, हमने क्या कर रहा है वो कर रहा है। ये अपरोर कहता है अटैक था भाई, अभी एक बार भी साइकिक अटैक नहीं करा, और जब भी मैं उससे ले आऊंगा मकती तब साइकिक 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 डार्क अटैक है भाई। अब करते साइकिक अटैक, लाइट सेकंड लाइट सेकंड कर रहा है, स्वीट अटैक फिर से, डार्क टाइप बनेंगे इसके लिए खतरनाक है। अब बता रहा हूँ दोबारा ना कर दियो ये अटैक, बहुत हो गया तेरा। चलो पॉइजन जाए, पॉइजन भी नहीं हो रहा है तो यार, चलो हुई ये हुई ना बात, अब बता अब आ जा पंगे लेगा हमसे पंगे। मड बम मिस हो गया, ये क्या चक्कर है भाई, ऐसे टाइम पे कोई मिस होता है, गेम ओवर। हरा दिया भाई अपने ने, हरा दिया थी, हा 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 हटा है, यस यस दैट्स इट, क्या हो गया, वेरी वेल, मैंने जितना सोचा था तो मुझसे ज़्यादा अच्छे निकले, पता चल गया है। द पॉकेट माइकेट सीक, ये कौन है भाई, द कैस कैटस्ट्रोप,
पहली बार सुना है भैया का शेगे की कहाँ छुपा हुआ है। हाँ वेयर इज शेगे की हाइडिंग, इसको पता है क्या? अब बताएगा ये फिर से जब मुझे बनाने के बाद, वो फिर जब वॉर खत्म होने वाली थी उसके बाद क्या, जब वॉर एंड हो गई। हाँ वो परेशान हो गया, डर गया और फिर वो भाग गया है। हाँ वो सब कुछ अपना छोड़ कर साइंटिस्ट वाला काम चल गया, उसने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। ठीक है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा फिर से। ओह हो यस, इनकॉन्सिस्टेंट ओल्ड वन सिटी अराउंड स्वीडन सिटी नेबरहुड ओनली फ्री। ये कौन है भाई? हाउ टू, जो हमें सिखाता है कि हाउ टू कैच देयर फर्स्ट पोकेमॉन। ही नोज वेयर इट इज, उसको पता है कि वो कहाँ है। ठीक, यू ट्रूली विश टू फाइंड इट, हम चाहते हैं वैसे ढूंढना। ट्रिक टू शेक की इन ब्रिलियंट सिटी। ठीक डेट्स ऑल, आस्क लीव मी नाउ टू ट्रेन फॉर नेक्स्ट वर्थ चैलेंज। चैलेंजर, हाँ अब तो रेड के हाथों आ रहे हैं, हमारे हाथों थोड़ी आ रहे हैं। रेड तो उसको पकड़ भी लेगा शायद। एस्केप रोप, क्या कहा खुला से खुलते हैं यार, पता ही नहीं चलता। जल्दी से जाना पड़ेगा पोकेमॉन सेंटर, ना जाओ जल्दी ठीक कर दीजिए। चलो भाई जल्दी से इसको पकड़ते हैं उसको। आइए रहा, ए यंग मैन यू नीड सम हेल्प कैचिंग पोकेमॉन। नाउ व्हाट्स दैट सन, जिराटिना टेक मी। ये क्या है, आई न्यू दिस डे वुड कम सूनर और लेटर। दैट साइड यंग मैन माय नेम इज शिगेकी। तो यही है क्या शिगेकी? कम इन साइड इफ यू वुड, हम तो चाहते हैं भाई आंदे अंदर। वेल वेल वेल, इतने सालों के बाद ठीक है। टीम रॉकेट क्या है, बिल ने हमें भेजा है। हाँ पता है, मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो मेरे पास एक फैमिली से बचाने के लिए, तो डोंट प्रॉमिस दैट। यस थैंक यू यंग मैन, हम इसके सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, किसी फैमिली को सेव रखना है। तो तुम्हें तो स्टोरी के बारे में पता ही होगा, म्यूटू प्रोजेक्ट, हमें सब बताया भाई कैसे मैंने म्यू को पकड़ के म्यूटू बनाया। और पोरीगोन भी एक तरह का वैसा ही था, अल्टीमेट वॉर मशीन था पोरीगोन एक। ठीक है तब मुझे कुछ समझ में आया कि एक ग्लिच हो गया, द कैस्ट्रोट्रोप, इट वॉज ए अबोमिनेशन, मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक कोई चीज बन गई हो। हाँ ये रहा, क्या बनाइए, एज प्रोबेबली तुम्हें ऐसा तो पता ही होगा, इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा। तो आगे क्या है, वो भाग चुका था तबाही मचा के वहां पे। ठीक है समझ गए, और सारे लोग उसके शायद कंट्रोल में आ गए थे ऐसा ही कुछ, और या किसी का पता नहीं क्या चक्कर है भाई। कैस्ट्रोट्रोप पोकेमॉन है शायद कोई। हाँ ये रहा, राइट अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ सिनेबार, यहाँ पे छुपा बैठा है, जहाँ पे दिख रहा ना पानी में डार्क डार्क, फ्रोजन बेनिथ द ओशन सरफेस। हाँ यही है, बट इस स्टिल क्या है भाई, ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम था। अब पता चल गया, हमने मोस्टर बना डाला गलती से जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, समझ गए। और अभी यंग मैन, और अभी कुछ साइंटिस्ट भी लगे पड़े काम में, और क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उस मोस्टर को आज़ाद कर दो और उसे मतलब कि कंट्रोल में ले आओ, अनकॉन्शियस करके उसको नींद से जगाना बजा के। आर यू रेडी टू कैम कर, उसको पकड़ेंगे। ठीक है वेरी वेल, पकड़ लेंगे। नाउ गो रॉकेट फ्लाई टू सिनेमा आइलैंड एंड सर्फ अलोंग। ठीक है
वो एक खतरनाक पोकेमोन है वैसे, और इसलिए हमारा लगता है हमारा चौथा पार्टनर बनने वाला है वो, हमारी टीम का चौथा मेंबर बनेगा शायद वो। अभी तो अपने पास तीन ही है, वो मिल जाएगा तो और भी बढ़िया। तो करेंगे फ्लाई अटैक। ये क्या, अरे ये क्या होगा, गिलिच आ गया आ जाएगा। यो मैं ही हो गए तो इससे बात नहीं करनी भाई, कहीं एक बार गेम में भी गिलिच आ जाए वैसे। क्यों भाई आ गया कि मैं तभी सोचू कटे गया। यो क्या भाई मिसिंग नो, पहले कर लेंगे इसको थंडर वेव। अब दूंगा थंडर बोल्ट, तेरी तो इतना खतरनाक है अपना थंडर बोल्ट। स्टैटिक अल्ट्रा बोल, बस थोड़ी है अपने पास अल्ट्रा बोल यार, मैं तो खरीदना ही भूल गया। यार लगता नहीं ऐसे आ पाएगा ये सुपर ग्लिच। यो कौन सा अटैक करता है, यो खतरनाक पोकेमोन है भाई थंडर शॉक। इसको हाथ में नहीं देना, पकड़ना इसको अपने। अरे यार गया फिर से, आखिरी अटैक आजा आजा आजा। रे यार गया, तो अब क्या कर सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। मास्टर बॉल अपना इस्तेमाल करें। हाँ मास्टर बॉल इस्तेमाल करेंगे यार, बस आ जा भाई तू आ जा। चल अपने मास्टर बॉल इस्तेमाल करना था इसके लिए। क्या टेरिफिक टेरिफिक यो क्या है भाई। ओहो बिल डैड मिसिंग मिसिंग नो, क्या तुमने सच में पढ़ लिया, ट्रूली टेरिफिक। नाउ वी प्लेड विद आवर लाइव लॉन्ग, अब हम लॉन्ग जी सकते हैं। ये क्या भाई वो मारने लगा था कैसे, क्या क्या बात, क्या बात है। अगला कोई मिशन पे जाना मेरे को बहुत अगेन का। वी हैव ए चांस अगेंस्ट द एलिट फोर, इवन वर्ल्ड कैन स्टॉप अस नाउ। तो क्या करना है हमको, इट्स अ शेम ब्लेन हैड टू गो हिज जिम टू फेस सम चैलेंजर। ठीक है उसके जिम में तो चैलेंजर आने वाला है, तो हमें क्या करना है। तो लोग तीन लोग एलिट फोर, तो हमको क्या लड़ने जाना है। एलिट ब्लू आ गया था, तो ब्लू वाला क्या है थी ब्लेम थी, व्हाट्स ऑल दिस कमोशन। Hey, you did that rocket from the Pokemon Tower. My, you changed. I just heard. मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना कि बार क्या क्या हुआ और ये हाँ, और तुमने कुछ लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ लिया। Yeah, but you captured. हमने पकड़ ही लिया भाई, क्या करें हम है इतने कमाल के। No, it can't be. This before. That was a long time ago. Blaine, you seen. तुमने मिसिंग को देखा है, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। तुमने कहाँ पे देखा बच्चे, बिल कह रहा है इसको। हाँ मुझे याद नहीं है वैसे, जब मैं बच्चा था तब मैंने अपने ग्रैंड पा की लैब में देखा, प्रोफेसर ओक की लैब में। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसके ऊपर। व्हाट बेसमेंट एरिया, हाँ बेसमेंट एरिया, प्रोफेसर ओक की लैब के नीचे बेसमेंट एरिया है जिसे कहते हैं सीक्रेट लैब। ठीक है अब तो भी क्या फ्लैशबैक में जाने वाला है, तो अब क्या है, दैट्स इट देयर नो क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है भाई, हमको जाना है वी नीड टू ऑक्स द लैब, तो हमें जाना होमवर्क वहीं भी जाना पड़ेगा। तो प्रोफेसर की लैब में हमें भेज रहा है फिर से, चलो यार कोई बात नहीं चलते हैं। अब डालते हैं पोकेमोन को अंदर, कौन है इसको डाल लेते हैं।
मिसिंगो, ये तो मारियो जैसा दिख रहा है, ये तो बिल्कुल इसके अंदर देखे थे। ये मारियो लग रहा है बिल्कुल, इसका टाइप फ्लाइंग टाइप और किसी को नहीं पता ये किस टाइप का है। स्ट्रेस स्काई अटैक, ये खतरनाक, सुपर ग्लिच खतरनाक, साइकिक भी खतरनाक। तेरी तो ये अपना चौथा पग में 50 लेवल का भी अपत है। ठीक है तो हमको कहाँ जाना है, तो अब जाना ही पड़ेगा बड़े। अरे मैं तो कुछ भूल गया, पोकेबॉल खरीदने थे मेरे को, तो पहले गेम को ऐसे ही करेंगे, आगे कोई दिक्कत आएगी ना पोकेबॉल के चक्कर में, तो वही देखने पड़ेगा। पहले टाउन, अब डोर ब्लॉक, डोर ब्लॉक है ना अपने पास, तो अपने हाँ अपने पास जवानी ने एक चीज दी थी, अपने क्रोबार, क्रोबार क्रोबार क्रोबार, इससे हम दरवाजे तोड़ सकते हैं। ठीक है मेडिकेट, ये क्या बोला मेडिकेट पिंक हेयर, अपने बाल गुलाबी हैं, मस्त लगा मैं थे, मस्त लगे इसके ऊपर बाल, वैसे गहरी जैसे दिखा है बिल्कुल। थंडरबोल्ट, इतना ही दम था बस, मक किस काम आएगा, मक के लेवल बढ़ाना है वैसे, इसलिए आने दो मक को आने दो। पॉइजन जैब, क्रिटिकल हिट, पता है हमको भाई 42 लेवल पे पहुंच भी गए। इलेक्ट्रोड, पॉइजन जैब 40 लेवल के पकड़ना के चलिए, तो सही लेवल बढ़ाएंगे अपना। स्लज बॉम, और कितने बाकी हैं, दो हैं। मैग्नेटोन, मड बोम, ये खतरनाक होगा इसके लिए, ग्राउंड टाइप अटैक है ना। मैग्नेटोन ले लेते हैं, पोकेमॉन ले ही लेते हैं काम ना आए चाहे मैंने वैसे बहुत सारे पोकेमॉन ब्लैक मार्केट में बेच दिए पैसे के लिए, क्या करें भाई पैसे भी तो कमाने पड़ते हैं। ये फाइट करेंगे, सारे लड़ाई करने वाले बंदे हैं यार। गिया नाम भी हाइड गिया, ओरिगोन पॉइजन जैब का मसाले भाई, डिस्चार्ज किसी काम नहीं आएगा, हमारे पैरलाइज कर दिया लेकिन बहुत खतरनाक था। अगला कौन है, स्लज बम का मजा ले पहले, अगला देखेंगे फिर। नाइस कडाबरा, कडाबरा साइको कट, पहले अटैक नहीं कर पाऊंगा, स्लज बम ही कर देता। अरे यार स्लज बम में इतना दम नहीं है, फिजिकल अटैक में ज़्यादा दम है, तो स्लज वो पॉइजन जैब ज़्यादा खतरनाक है। ये भी क्या, क्योंकि अपन पहले लाए हैं तो पहले अटैक नहीं कर पाएंगे। मग फिर से तेरी तो मड बम करना पड़ेगा, लगता है मेरे को मग पकड़ना नहीं चाहता, यहीं मिल जाता मेरे को, अब क्या करें, पकड़ लिया तो पकड़ लिया यार। किंगलर ना पकड़ता तो यहाँ पे सीधा 39 लेवल का मिलता। मड मड शॉट करते हैं शायद ज़्यादा, वैसे मड किंगलर में दम नहीं है इतना इसको हराने का। स्टॉर्म अटैक, वाटर टाइप वैसे ज़्यादा ताकत नहीं होते, पॉइजन टाइप से सर अटैक, बस खेल खत्म। मैग्नेटोन, मैग्नेटोन को देते हैं मड शॉट अटैक, हार भी है बड़ी जल्दी। ओरिगोन लेते हैं, पहले पोकेमॉन सेंटर जा के आना पड़ेगा, तो चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में वही, या तो क्योंकि मक का लेवल बढ़ाना है अपने को सबसे ज़्यादा। चलो अपना मक है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग दे दी तो दे दी, वह देखा जाए तो अपने पास 4 पोकेमॉन हो गए, वो भी खतरनाक, मिसिंग हो तो सबसे ज़्यादा। अपना एक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन है ये, देखा जाए तो म्यूटू को तो हरा ही देगा आराम से,
लूटूंगा तो कोई बड़ी बात होनी, मोटू कराना। 70वें लेवल बताओ तो, 70वें लेवल पे हमारा तो हम बताते हैं फिर से मड बम क्लच बम कर दिया जाता पॉइजन जैप करेंगे सही लगे स्क्रैच अटैक मड बम भाई। और ये आखिरी बार मड बम फिर से हमारे मक में था, हम दो दो मक गए यहाँ तो 40 लेवल पे हैं इनके, अपना 43 पे आ गया। एसिड आर्मर ज़्यादा काम नहीं आने वाला, काट दे रहे छोड़ो एसिड नहीं चाहिए एसिड आर्मर। मिसिंग ओवर ले जाते हैं एक बार, लेविटेट सुपर ग्लिच क्या बात, अटैक में था मैं देखने में फ्रीज हो गया से तो यू के था भाई साइकी के टाइप अपन फाइटिंग टाइप अटैक वो जो फाइटिंग टाइप को बनाएंगे ना उनको आराम से आ सकते हैं देखा है तो, अपने को फ्लाइंग टाइप की जरूरत नहीं है। वैसे फ्लाइंग टाइप है तो अपना ये कौन सा है मिसिंग नो, इसका नाम मिसिंग नो है, ये फ्लाइंग टाइप ही है। वैसे डिस्चार्ज अटैक फिर पैदल करेगा ये स्लज बॉम्ब गया, चलो मैग्नेटॉन मड बॉम्ब एक में खत्म, खेल खत्म बस क्या गुंडा बने होंगे। पॉलीगॉन मार्क बीजिंग मार्क ले लेते हैं अपने, तो हमें जगह देखनी पड़ेगी कौन सी है, कहाँ से खुलता होगा रास्ता भी। यहाँ भी कुछ नहीं है, ऐसी चीजें पता कहाँ होती है किताबों में, ये देखा किताबों में पावा हर चीज ज्ञान है भाई किताबों में तो बहुत ज्यादा। यो कहाँ आ गया भाई, ओहो यो क्यों है डैडी, January 16, 1985 2:35 सुबह के, ये ना म्यूटू प्रोजेक्ट इज बाउंड टू म्यूटू प्रोजेक्ट फेल हो गया और हमारी कलेक्शन सारी खराब हो गई। और मिसिंग नो वाज मिसिंग नो, हाँ ये मिसिंग नो अपना पोकेमॉन, हाँ पोकेमॉन क्लब फॉर म्यू ठीक है, बाकी पोकेमॉन भी हमारी बात नहीं मान रहे जो इन्होंने बनाया है मिसिंग नो, बस इतनी सी बात। मैं चल रहा था क्या भैया, लाइट क्या जलने लग रही है इन गेमों में आंखों में, इसमें क्या है, अरे भाई के पड़ा यहाँ दिखा नहीं को लग रहा। और यो क्या आ गया टिटो 85 लाख बढ़ते रही तो इससे पंगे लेने आ गया तगड़े वाले, बस इतना ही दम था। सच कहूं तो भाई अपने पॉकी वो ही नहीं है पॉकी बॉल पकड़ लेता वरना एक तो काम ही आता है। सिंपलेस्ट म्यू क्लोन सक्सेसफुली सेंटेड, मतलब कि डिटो पोकेमोन नहीं है, इन्होंने डिटो बनाया गया पोकेमोन है म्यूटू से, मैं तो चाहे म्यूटू भाई ये डिटो असली पोकेमोन है लेकिन क्लोन है बस उसका, तरवीर सब में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। डायरी 14 February 1945 11:45 दोपहर के रात के, मतलब म्यूटू बाजार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा पोकेमोन, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला पोकेमोन भी है। और क्या है उसका निशान इंसानी शरीर के साथ कुछ बता रहे हैं, एवोलेट इधर आता होगा कोई पोकेमोन, यहाँ के डायरी 29 February 1985 9:42 रात के, क्यों हम पोकेमोन को बड़ा करते हैं बार बार इस सोसाइटी में, तेरे को नहीं पता क्यों बड़ा करते हैं।
उनकी पावर अलग अलग तरह की होती है, समझे, वो भी उनकी खुद की होती है। हाँ, और अब इंसानों मतलब उनके ट्रेनर बनते हैं, क्या क्या बोलता है। फिर से आ गया यार ये पॉइजन जैब, मड बॉम्ब। हम पे इतना अटैक नहीं कर पाएगा, सामने वाला मतलब डिटो हो ना, तो जितना ताकत तो नहीं हो पाएगा जितने अपना है, बस दिखने में अपने ऐसा हो जाओ, लेकिन कई बार ज़्यादा ताकत भी हो जाता है। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो खतरनाक हो रहा है। मड बॉम्ब प्लस अटैक, चलो बच गए, तो वाट ले आ रहा है। 44,000 पे आ गए, पोशन 18 पोशन, पता नहीं कहाँ से मेरे पास, तो मैंने खरीदे भी नहीं थे पोशन। टीम रॉकेट वाले दिए होंगे, 100 पे कर देते हैं एक बार। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है भाई। यो क्या भाई, ये क्या चीज है, यो इंट्रूडर अलर्ट अलर्ट इंट्रूडर, यो क्या था भाई, रोबोट तेरी तो, क्या रोबोट है, गार्ड रोबोट। ऐसा पोकेमॉन होता ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होता फिर तो, ये मैग्नेटोन। मट बॉम खत्म हो गया क्या तेरी तो, अपने पास मिसिंग हो है वैसे। फ्लैश कैनन कर रहा है, सुपर ग्लिच, मजा आया। फ्रीज हो गया, चलो फ्रीज ही जाइए भाई। साइकिक अटैक वेरी इफेक्टिव बहुत। मैग्नेटोन फिर से, सुपर ग्लिच, बस इतनी जल्दी, बस खेल खत्म। साइकिक अटैक वो भी आ गया, बस कैसे कैसे कमजोर पर होना। स्टमाइंड मत का इस्तेमाल करेंगे, पॉइजन जैब, चलिए तो खतरनाक अटैक था भाई। हमारा भी कुछ कम नहीं है, अरे यार बड़ी जल्दी हरा दिया, तो अपने नहीं हरा दिया वैसे, इनसे भी घूम लेंगे, मजा आएगा अब तो। मिस्टर माइंड, चलो पोकेमॉन तो मिलेंगे यहाँ से भी, कोई तो काम ही आएगा। पहले यार इधर लगाओ अपने, अटैक चाहिए अपने को, मड बॉम्ब, पोशन भी लगा लो थोड़ा। बाकी पोकेमॉन तो सारे सही लेवल पे हैं, इसको पूरा पहुँचा के रहूँगा, फिर कुछ करेंगे आगे। डायरी मार्च 11, 1945, 85 मतलब। इट्स अ जेनेटिक क्लोन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी एंड यस, मतलब इंसान का भी क्लोन बना रहे हैं, कौन है वो, उसकी क्वालिटी बढ़ा देंगे हम, वो पोकेमॉन को बैटल में भी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ हो जाएगा, दिखने में तो जैसे नॉर्मल ह्यूमन ट्रेनर ही लगेगा, लेकिन उसमें बैटल स्ट्रेटजीज, पुश डिवाइसेस, हाँ अपने पोकेमॉन को ताकत बनाने की लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उन्हें आराम से कंट्रोल भी कर पाएगा। ऐसा क्या बना रहा है भैया, फूजियो शिकी ने मुझे सिखाया कि हम एक सुपर ह्यूमन कैसे बना सकते हैं जो एक पोकेमॉन ट्रेनर हो खुद से, मतलब इन्हें एक पोकेमॉन ट्रेनर भी बनाया। मैग्नेट मिल गया, इलेक्ट्रिक टाइप को बूस्ट करने के लिए मैग्नेट काम आता है। अब आएगा मजा, और भी खतरनाक अटैक हो गया इलेक्ट्रिक टाइप। और क्या है, जून 3, 1945 वो 85। ट्रस्ट क्या है भाई, मैं इंसान की बॉडी को दोबारा नहीं बना पा रहा, और उसे मतलब वो मतलब एक जीता जाता इंसानी बैटल बन जाएगा, क्या था वो, हथियार बन जाएगा। मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था कि अफकोर्स, क्या सिखाया था वो तो बता, ये कौन है भाई। हाँ तो ये तो रेड की मॉम है भाई,
ऑफ कोर्स। तो मुझे देख रहा भाई के बना रहे, ये ना ये रेड बना रहे भाई, रेड ये रेड ही है क्योंकि तो जैसा बताएगी दर्द दर्द को, मतलब इन्होंने यहाँ पे बनाया है, इंसान नहीं है पूरी तरह वो। बार बार पीछे आ जा रहे हो, मेरे सारे अटैक खत्म करा दे ये। रुक जा तू, ऐसे कौन मानने वाला। ओहो ये खतरनाक अटैक, कोई तो ना कर दे सारे अटैक। गेम ओवर। चक्कर क्या भैया, करे क्या जो दिमाग घूम रहा लगा इसका, फिर से के आ गया जो यो तरी तो ये के था रंग का। अरे यार ये मक मक क्यों ला रहे हो बार बार, मैं तो सोचो मैंने मक पकड़े क्यों भाई, बार बार ताकत से ताकत और मक ला दे। अभी मग ना पकड़ता ना इतने सारे मग हो जाते हैं मेरे पास, तो क्या बताऊं क्या करें भाई, इन्होंने तो जेब ललचा दी है। ऊपर ग्लिच, अब करेंगे स्काई अटैक। फ्रोज ही रहा भाई, हम यहाँ गेम ओवर, एक मिनट जाएगा मैं साथ। स्काई अटैक खतरनाक अभी। वीजिंग, तो वीजिंग के लिए क्या रहेगा, पिकाचू ठीक है। इसका थंडर बोल्ट देखते हैं अब कितना ताकत है। थंडर बोल्ट सारे ताकतों पर हो गए तेरी, थंडर बोल्ट खतरनाक तो हो गया वैसे। अरे यार सारा काम खराब कर गया, फटना तो आएगी। पोइजन चाहे अभी पोइजन टाइप ही है, मेरे भूल ही गया। ये करूँगा अब, ये भी हरा के जाएगा लगा। क्लच बॉम्ब, अब कौन सा अटैक कौन सा अटैक, पॉइजन जाए भी ठीक रहेगा। पॉइजन जाए फिर से जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बोल दिया ना, आ जाएंगे। तो पर के 13 बार कर सकते हैं, ये 10 बार कर सकते हैं। तो पहले अटैक नहीं करते यार अपने पगमन, अब कौन सा पगमन लेते फिर से। टंडा कोल, अब कौन सा पगमन लेने के लिए, पहले नंबर पे अब तो किंगलर है, अब किंगलर से लेना पड़ेगा। डायरी 15 अगस्त 1985 7:21। द पोकेमोन लीग चैलेंज इज द होप ऑफ मैनी नाव यंग मैन ट्रेनर ठीक है, और वो उनके पास एक चांस होता है, वो चैंपियन बन सकता है कोई भी ट्रेनर पोकेमोन लीग से ठीक है। और मैं उसे लाइन और ये उसे लाइसेंस भी देता था हर किसी को पोकेमोन ट्रेनर बनने का, वो की देता है ताकि वो जिम लीडर से लड़ सके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लेजेंडरी पोकेमोन को। दे आर बी नो मच फॉर हिम, ऐसा कोई बना रहा है जो किसी, ये बच्चा एक ऐसा ही बच्चा आने वाला है चिल्ड्रन। डायरी 2 सितंबर 1985 2:41। म्यूटू भाग चुका है पोकेमोन मिशन से, समझ गए। कांटो मिलिट्री, कांटो की जो मिलिट्री है उनका भी कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकते क्या भाई। और लेंस के दिमाग में सर दर्द कर जा रहा है बार बार, और अब वो चैंपियन बन चुका है शायद। तो अब क्या है, अगले 10 साल ये रहा का बनाया भाई। वैन बॉय वाज क्रश ड्यू फेयर ऑफिशियल पोकेमोन बैटल यू विल फाइंड हिज पॉलिसीज एज चैंपियन लेस देन फ्रेंडली, क्या है भाई। तो ये भाई रेड है, ये देख लो भाई, कांटो जोटो द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कांटो जोटो में क्या भाई, लड़ाई लड़ाई हो रही है क्या कांटो जोटो में, ऐसा तो कुछ था ही नहीं रहते। अब ये तो बिल्कुल ही पीछे जाके बता दें, रॉकेट इज
बैटर रिपोर्ट ओवर एटीन जिम। तो अब क्या करना है भाई? रेडियो जिम में क्या काम है? ये रेड आ गया फिर से। जा भाई जा, इसको पता ही नहीं है कि रेड कौन है। वैसे इतने हराया था हमको। नो जॉनी प्लीज वोंट अलो दिस। अब कुछ नहीं बचा डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ। बेचारा हारने के बाद इतना रोन लग रहा है। आज यू आर हियर, आखिरकार तुम यहाँ आ गए। और क्या भाई, मैं जिम लीड, मैं मतलब लड़ाई में आ चुका हूँ, उसी से हारा होगा। और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, बस अब मेरे में और कुछ नहीं बचा हारने के लिए। तो मैं कुछ टाइम तक नहीं आने वाला काउंटर में। तो दिस इज टीम रॉकेट का एंड है ये, तो ठीक है। तो पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आस्क यू आर फ्री, तुम आजाद हो। हम आजाद हैं तो हम क्या बिकम टीम, वट एवर बिकम ऑफ टीम रॉकेट फ्रॉम विदाउट। तो हम क्या करना हमको? आयाना आई वॉन्ट हैव दिस इंस्टेंटली वर्क, एवरी थिंग वी स्टूड फॉर। तो क्या करना है? ओवर सम चाइल्ड, चाइल्ड है क्या? कौन सा चाइल्ड है इनका? जवानी यस ए चाइल्ड, हरियाणा ए चाइल्ड वो विल सून रूल द। हमारा बेटा भी बाकी है तो क्या करे वो रात करे, वो तो नहीं करने वाला कुछ। तो हमको सारे तो कांटों में नहीं आने वाले, वो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को छोड़ रहे हैं। और मास्टर कौन मास्टर बनेगा, इसका बेटा बनेगा कौन? तो पूरी बात बोलना सही से। डैट किड, हाँ क्या है? बहुत गुस्से वाला है, फ्रस्ट्रेशन वाला है, तो क्या करें? अपने घर की बात हमें। तो आस्क, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अब कांटो में टीम रॉकेट का राज नहीं चलने वाला। तो और क्या? एनी मोर फॉर नाउ, टेक दिस फाइनल टोकन ऑफ माई, आखिरी चीज़ कि भाई हम इसकी उम्मीद और इसे हमें प्राउड है। किस लिए भैया, ऐसा क्या कर दिया हमने? ठीक है भाई, और कुछ लॉन्ग? अब कौन आ रहा है? कम बैक यू बास्टर्ड, इसका बेटा है। डोंट यू डेयर रन अवे, आई हेट यू। ठीक है, और कोई जा रहा है क्या? अब ज़्यादा जल्दी आंटी, आप भी बी स्ट्रोंग। ठीक है, आस्क ओपन ब्रीफ केस, कर दिया भाई, खोल दिया ब्रीफ केस। 10,000 रुपये, ए लेटर इज अचर्ड, ए लेटर डियर आस्क, आई एम नॉट फिट द लीड टीम रॉकेट एनी लॉन्गर, माई क्रिमिनल डिग्निटी विल नॉट अलो। ठीक है, आई फेल्ड, तुम तब तो ट्रेनर बनना, अब तुम एक पगवन ट्रेनर हो जो, ठीक है, अब तुम टीम रॉकेट नहीं हो, तो तुम कांटों में कहीं भी जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग, क्या बात। ठीक है, अब तुम इंडिगो लीग में चले जा सकते हो, ताकि हम अपना बदला ले सके रेड से, लैंप से एंड प्रोफेसर ओक से। ठीक है, हम तो हमें जाना इंडिगो लीग में जाना है हमको, समझ गए। एलिट फोर को हरा के पोकेमॉन चैंपियन बन सकते हो, यह दिस इज योर फाइनल प्रमोशन जीवानी। और ये हमारे नए कपड़े आ चुके हैं, आस्कर प्रमोटेड रॉकेट बॉस, टीम रॉकेट के बॉस है हम। चलिए, तो अब टीम रॉकेट के बॉस हम है, क्या बात। इफ यू आर, क्या है भाई, न्यू चैंपियन कौन है भाई? हम बनेंगे, हाँ वो सही है। तो भाई चलो अपने चलते हैं। तो गाइस देखो, हम टीम रॉकेट के बॉस बन चुके हैं अब तो। और अगले एपिसोड में हम जाने वाले हैं इंडिगो लीग में, उस सबको हरा के आएंगे। वैसे हमको तो पता ही है, हमें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगला एपिसोड जल्दी जल्दी मिल ही जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो आपको सारे एपिसोड प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। Now is your time, so prove yourself and rise, rise, make a